लेती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बीफ मसाला टिक्का बोटी। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर एक वीडियो से अपडेट रह सके। बीफ स्मॉल कटिंग में, जिसको हमने सिरके वाले पानी में भिगो के रखा था। सिरके वाले पानी में भिगोने से इसका कलर भी चेंज हो जाता है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। योगर्ट 1 बाउल, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून, सॉल्ट, टर्मेरिक, खुश धनिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, टिक्का मसाला, गरम मसाला, गोश्त गलाने वाला पाउडर, हम यहाँ शान का यूज़ कर रहे हैं, मीडियम 2 और लार्ज 1 प्याज का पेस्ट, कुकिंग ऑयल, धनिया और पुदीना, विनीगर, चिली सॉस। जब चलते हैं सबसे पहले हम बीफ में योगर्ट ऐड कर देंगे और अपनी स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे। सभी स्पाइसेस मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर विनेगर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर पहले ही विनेगर में भिगो के रखा था, और ये चिली सॉस। कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे। बीफ को मैरिनेट हुए 3 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको कुक कर लेंगे। हम इसको प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। आप इसको कढ़ाई में भी कुक कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में बीफ जल्दी गल जाए। प्रेशर कुकर में इसको 7-8 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कढ़ाई में इसको करेंगे तो आपको 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर लेंगे और इसको वेट लगा देंगे। 7 से 8 मिनट हमने इसको प्रेशर कुकर में पका लिया है। अब हम इसकी वेट खोल लेंगे और फ्लेम बंद कर हमने ढक्कन उतार लिया है। अब हम इसको हाई फ्लेम में पका लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है। एक अलग कढ़ाई में हमने देसी घी लिया है, आप चाहें तो बटर या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, हमने देसी घी लिया है। इसमें अब हम अपना ये मटन ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका मसाला जो है पीसीस के साथ अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको कोयले का दम दे देंगे। अब हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फिर कोयला रिमूव कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। इसके ऊपर हम नींबू का रस डाल रहे हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। आऊँगी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।